चलो गुड इवनिंग सभी को, जो जो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज पढ़ना चाहते हैं जल्दी लाइव आ जाए ना, फिर लेक्चर शुरू किया जाए। जल्दी आओगे लाइव? जो जो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज पढ़ना चाहते हैं ना, वो जल्दी लाइव आइए, शुरू करते हैं। हेलो गुड इवनिंग, जो जो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज पढ़ना चाहते हैं वो सब लाइव आ जाएं सबसे पहले, फिर शुरू करें। जल्दी लाइव आइए, जैसे जैसे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज पढ़ना है वो सभी लाइव आ जाइए। जल्दी आओ लाइव, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इस पे। कौन कौन आया? शशि, ओके अंबिका। सर ये लोग ग्रुप पे नहीं डाले हैं, रुको एक मिनट डाल लेता हूँ फिर, और क्या है सब लोग आ जाए उसके बाद स्टार्ट करें। कौन कौन आया लाइव अभी तक? ओके तुम डाल दिए यहाँ पे। कौन कौन हो रहा है लाइव? ओके राजनंदिनी, अंबिका और बाकी कोई नहीं आया क्या? जल्दी आओ ताकि शुरू करें। और जो जो लाइव आए हैं वो बोर्ड दिख रहा है सबको? चलो रितिका, हाय आई एम हियर सर। हाँ ठीक है, आ जाओ भाई जल्दी आओ। तो मैंने आपके सबके व्हाट्सएप पे फोटो डाला हुआ है ग्रुप पे, ठीक है देख लो, उसी फोटो से आज पढ़ने वाले हैं ना। दैट इज आपका वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज। हाँ मन, हेलो सब लोगों, फोटो देख लो ग्रुप में, मैंने जो तीन फोटो दिया है उसी के बेसिस पे आपको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज करके पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सब लोग ये बताओ स्पीड वीड सब कुछ सही है ना, अटक वटक तो नहीं रहा सब कुछ? हाँ गुड इवनिंग प्रतीक, जल्दी आओ भाई, और बताओ सब कुछ सही चल रहा है? हाँ ठीक है, प्रेजेंट जो भी है वेरी गुड। देखो आज वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज पढ़ाऊंगा, जिसको दिक्कत हो अच्छे से समझना कैसे ये वर्क करता है, क्या होता है ना। तो मैंने फोटो भेजा है आपके उस पे, तो वो फोटो से आपको देखना है, तीन फोटो भेजी गई है ग्रुप में। अगर आपका फोटो ना नहीं दिख रहा तो लेट से आप क्या कर सकते हो, मेरा फोन नंबर सबके पास है 9973377907, तो व्हाट्सएप में स्टेटस में मैंने तीनों फोटो डाला हुआ है, तो उन तीनों फोटो को देखना स्टार्ट करेंगे सब लोग, ठीक है। हाँ चलो बहुत अच्छा है भाई प्रतीक, अच्छे से पढ़ाई कर ना, एवरीथिंग क्लियर, ऑनलाइन है, थैंक यू। ठीक है स्टार्ट किया जाए, सब लोग शुरू करें। आ गए क्योंकि मैंने ना टाइम बोल दिया था 9:30, 5 मिनट रुक गए ना, चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? देख लो कोई प्रॉब्लम?
हाँ चलो जल्दी स्टार्ट कर देता हूँ। देखो है ना, वर्नियर कैलिपर है ना, सबसे पहले हम कौन सा डिवाइस यूज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्नियर कैलिपर क्या होता है और ये मेरा कैसे वर्क करता है ये मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला डायग्राम आप देखोगे जो आपको भेजा गया था, जिसमें सबसे पहला टॉपिक ही लिखा गया वर्नियर कैलिपर, फर्स्ट फोटो देखोगे तो फर्स्ट फोटो में वर्नियर कैलिपर का सेटअप दिखाने का कोशिश किया गया है ना। एक रफ में दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से होता है वर्नियर कैलिपर आपका, ठीक है। तो ये एक डिवाइस होता है कुछ इस तरह से ना, यहाँ पे दो स्केल बनी होती है आपकी, ठीक है। तो ये दो स्केल बनी हुई है, एक रफ स्केच आपको दिखाया गया है ना। तो ये जो स्केल है, ये स्केल आपकी मूविंग स्केल है ना, ये स्केल मूविंग स्केल है। जो मूविंग स्केल होती है उसे कहते हैं वर्नियर स्केल, ठीक है। ये जो मूविंग स्केल बनी हुई है, ये स्केल आपकी बनी हुई है वर्नियर स्केल। देखना ना, यूट्यूब में पढ़ाना है तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे आपको जूम कर करके दिखा नहीं सकता, पर फोटो को आपको देखना होगा, ठीक है। पर यहाँ पे एक स्केल कौन सी आपकी फिक्स्ड स्केल बनी हुई है, ठीक है। ये जो फिक्स्ड स्केल है ये मूव नहीं कर सकती है ना, ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकती। जबकि ये जो स्केल है, ये स्केल आपकी मूव कर सकती है ना, ये स्केल आपकी यहाँ पे होते हुए कुछ ये रही, ठीक है। इस तरह से ये स्केल आपकी फिक्स्ड स्केल है और ये स्केल आपकी जो है ऊपर वाली स्केल, ये स्केल है मूविंग स्केल करते हुए, ये स्केल मूव कर सकती है, स्लाइड कर सकती है, ठीक है। और ये जो स्केल है ये फिक्स्ड स्केल करके बनी हुई है, इस फिक्स्ड स्केल को आप क्या कहते हैं, मेन स्केल करके भी कहते हैं, ठीक है। तो जो फिक्स स्केल है इसे हम मेन स्केल के भी कह रहे हैं। तो ये हो गया अपना मेन स्केल, ठीक है। और ऊपर वाली जो स्केल है वो तुम्हारी वर्नियर स्केल है, ये हो गया एम ना, और मेन स्केल और जो वर्नियर स्केल हो गया तुम्हारा वी से रिप्रेजेंट करते हुए। अब हम जो नॉर्मल जो स्केल यूज करते हैं, रूलर जो यूज करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि दो ना, लेट्स से 0 और 1 के बीच में आपका कितना मार्क होता है, 10 डिविजन्स होते हैं, आप देखते हो ना कि 1, 2, 3, 4, फिर एक बीच में पांचवा मिड पॉइंट होता है, फिर 6, 7, 8, 9 और फिर यहाँ पे क्या होता है आपका 10 डिवीजन होते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस मेन स्केल में आपके टोटल डिवीजन्स कितने होते हैं, 10 डिवीजन्स होते हैं। तो 10 मेन स्केल जो डिवीजन्स हैं ना, मेन स्केल डिवीजन्स करके हम बोल रहे हैं, वो अगर आप सेकेंड फिगर देखोगे, ठीक है, सेकेंड फिगर वर्नियर कैलिपर, ये जो इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर के जस्ट नीचे दिखाने का कोशिश किया गया है, तो वो डायग्राम एक बार सब लोग एक बार फोटो ना स्लाइड करो और उस फोटो को जूम करके देखो थोड़ा ना, ताकि वो जूम करके और अच्छे से दिखाई देगा। जब तक नहीं देखोगे ना मैं नहीं समझा पाऊंगा उस चीज को। तो यहाँ पे दो स्केल दिखाने की कोशिश की है ना, यहाँ देखो ये है आपकी मेन स्केल, है ना, ये मेन स्केल रही, इसका कुछ हिस्सा हमने निकाला, तो ये है मेरी मेन स्केल और इस मेन स्केल में ये 0 मार्क है और ये क्या है आपका 1 वाला मार्क है। जैसे एक 0 रेफरेंस लेवल होता है और 1 के बीच में क्या देखोगे कितने डिविजन्स है, 10 डिवीजन, 3, 4, यहाँ पे आएगा पांचवा डिवीजन, फिर 6, 7, 8, 9 डिवीजन हो गए, ठीक है। ये हो गया आपका मेन स्केल डिवीजन और फिर नीचे जो स्केल है ये वाली वर्नियर स्केल करते हुए ना। तो इस स्केल का आप जब इसको इसके ऊपर कोइंसाइड कराओगे ना, इस जो वर्नियर स्केल के ऊपर ना ये मेन स्केल कोइंसाइड कराएंगे विद 0 स्केल, दोनों का कोइंसाइड करते हुए, 0 का मार्क जो है वो दोनों पे कोइंसाइड कर रहा है। थोड़ा इमेजिन करना सिचुएशन कैसा है ना, सिचुएशन कुछ ऐसा है हमारा ना, चलिए थोड़ा सा सेटअप दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कैसे दिखाया जा सकता है, ठीक है, ये देखो, सपोज ये क्या है आपका, ये है आपका, सपोज करिए ना ये हो गया मेन स्केल, ठीक है, और ये कौन सा स्केल है आपका, ये स्केल है आपका वर्नियर स्केल, ठीक है, जो इसके ऊपर क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका लेट्स से ये हो गया ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे अगर मुझे ना किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस मेजर करनी है, मुझे सपोज मेजर करना है इसका थिकनेस कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको इसके बीच रखूंगा ना, और इस स्केल को, ये जो स्केल मूव कर सकता है, इसको जस्ट इसके टच कराऊंगा ना। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से जब हम देखने जाएंगे रीडिंग कैसे मेजर करते हैं इस वर्नियर कैलिपर को यूज करके, ये चीज हम सीखने जा रहे हैं। तो जब इसको आप इस पे कोइंसाइड कराएंगे तो आप ये देखेंगे कि स्टार्टिंग में ना, अभी ये कोई ऑब्जेक्ट अगर बीच में रखा गया हो उस टाइम पे ये सिचुएशन है ना, आप किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस ना उसको मेजर करने के लिए इस
डिवाइस को यूज करेंगे जिसमें आप ज्यादा लेवल ऑफ एक्यूरेसी चाहते हैं। जैसे आप नॉर्मल स्केल से ना जो आपका रूलर होता है उससे आप कितना मेजर करते हैं 12.2 सेंटीमीटर, पर अगर आपको 12.25 सेंटीमीटर मेजर करना हो तो उसमें वर्नियर कैलिपर यूज होता है, और अगर 12.254 सेंटीमीटर तक जाना हो, डेसिमल के बाद तीन डिजिट्स तक जाना हो, तो उस केस में स्क्रू गॉज मेजर करते हैं। मतलब ज्यादा लेवल ऑफ प्रिसीजन के लिए हम क्या करते हैं, आपका वर्नियर कैलिपर और ज्यादा अगर प्रिसीजन चाहिए तो आप यूज करते हो स्क्रू गॉज करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये स्केल तो आप मूव कर सकते हो, अभी दिखाया ना, अब यहाँ पे अगर ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इस स्केल को आप इस पे ना दोनों स्केल को कोइंसाइड कराते और ये देखते कि इस है ना ऊपर वाले स्केल में 10 डिवीजन है, और जबकि ना नीचे वाले स्केल में, यहाँ देखो ऊपर वाले स्केल में 10 डिवीजन है 0 से 1 के बीच में, और नीचे वाले स्केल में भी 0 से 1 के बीच में, ना वो डायग्राम देखना ना 0 से 10 तक करके दिया हुआ है, तो उसमें भी आपका कितना डिवीजन दिखाया होता है, 10 डिवीजन दिखाया हुआ है। पर देखने वाले इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ऊपर वाले के 9 मेन स्केल डिवीजन से, ना ऊपर वाली कौन सी स्केल है, मेन स्केल है, और नीचे वाली कौन सी स्केल है, आपकी वर्नियर स्केल है, तो नीचे वाली ना जो वर्नियर स्केल के 9 डिवीजन जो है ना, ये थोड़े क्लोज क्लोज होंगे, ये एकदम 1 मिलीमीटर डिस्टेंस नहीं होगा, जितना ऊपर का दो गैप के बीच का डिस्टेंस कितना था 1 मिलीमीटर, या 1 मिलीमीटर से हल्का सा कितना कम होगा, कितना कम होगा वही हम देखने जा रहे हैं। तो ये 1 2 3 4 ना, फिर ये है 5, फिर है 6 है ना 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा। मेन स्केल के आपके 10 डिविजन ना जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, वो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं क्या, नहीं ना, तो यहाँ पे ऊपर मेन स्केल में 10 डिवीजन है और वर्नियर स्केल में भी 10 डिवीजन है, पर यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, नीचे के 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन ना, वर्नियर स्केल के नीचे के 10 डिवीजन वो किसके बराबर है, मेन स्केल के आपके 9 डिवीजन के बराबर है ना, ये चीज हमें क्लियर है ना कि 9 मेन स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स करके, और एक मेन स्केल का डिवीजन जो है, जैसे हम बात करें एक मेन स्केल का डिवीजन हमारा, मतलब एक है ना मेन स्केल में यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना होता है 1 मिलीमीटर, तो एक मेन स्केल का डिवीजन हमारा 1 मिलीमीटर है, तो ये बताइए एक वर्नियर स्केल का डिवीजन आपका कितना कहलाएगा। तो यहां से आप बोल सकते हो सिंस 10 मेन स्केल डिवीजन ना 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, तो यहां से कहा जा सकता है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन है ना, और एक मेन स्केल डिवीजन कितना है 1 मिलीमीटर है, तो ये हो गया आपका 0.9 × 1 मिलीमीटर। तो यहां से मैं बोल सकता हूं मेरा एक वर्नियर स्केल जो डिवीजन है वो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है इस 0.9 मिलीमीटर, ठीक है। मतलब यहां पे आप बोल सकते हो एक अगर मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर है तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन जिसमें जिसके दोनों के दोनों जीरोस है ना, मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के जस्ट ओवरलैप कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, तो उस केस में एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो हो जाएगा है ना वो हमारा 0.9 मिलीमीटर हो जाएगा। और यहां से अगर मैं 0 mm ना जो जीरो एरर करके जो चीज होता है उसकी अगर बात करने जाऊं तो यहां से आप जीरो एरर किसे कहते हो ना, अगर जीरो एरर की बात की जाए ये, क्योंकि जब आप ये जीरो एरर है ना क्वेश्चन में इसी तरह से बोला गया होगा कि पहले तो हम ये थ्योरेटिकल चीज समझते हैं कि ये सब स्केल आपको नहीं गिवन होगा, ये सब चीजें ऐसे लैंग्वेज में एक्सप्रेस होगी कि ऐसे बोला जाएगा कि एक मेन स्केल ना आपने लिया यहाँ पे तो पूरा आगे तक चलता रहेगा 2 3 4, पर इस वर्नियर स्केल में 0 से लेकर 10 तक ही मार्क होगा ना, ये इतनी सी स्केल होती है और इसी स्केल में पूरा काम होता है, और यही स्केल आपके डेसिमल के बाद जो दो डिजिट्स हैं ना जैसे 10.24 सेंटीमीटर है ना वो डिजिट्स तक रिजॉल्व करने के लिए हेल्प करता है। तो जीरो एरर का मतलब हम क्या बोल रहे हैं, जीरो एरर मतलब 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल
ना। तो एक मेन स्केल डिवीजन आपका कितना है, एक मेन स्केल डिवीजन आपने देखा 1 मिलीमीटर और एक वर्नियर स्केल डिवीजन आपका कितना है 0.9 मिलीमीटर। तो यहां पे बोलते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, वो हमारा हो गया जीरो एरर करके। अब ये जीरो एरर क्यों बता रहा हूं, अभी इसको हम जब अप्लाई करके देखेंगे तो ये चीज क्लियर होगी। तो ये बना हुआ है 1 मिलीमीटर और ये बना हुआ है 0.9 मिलीमीटर, तो ये निकल के आया आपका 0.1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर कितना हो गया मेरा 0.1 मिलीमीटर, है ना। या 0.1 मिलीमीटर को अगर चाहे आप सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो ये कितना हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर करके। चलो यहां तक कुछ है ना, जिसको नहीं समझ आया बताओ, नहीं तो रिपीट करूं ना। थोड़ा सा लाइव क्लास में आपको थोड़ा यहां कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। और बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो अब रिपीट बाद में देखना ना, रिपीट अगेन इतना टाइम नहीं अपने पास। वैसे यहाँ तक सबको समझ आ गया, बताइए सब लोग यहाँ तक क्लियर है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको क्लियर है वो बता देना। चलो आओ जल्दी आओ बताओ। सर आ गया, यस सर। सर इसको भी लिखेंगे, लिख लेना, लिखना है तो, नहीं तो छोड़ देना ना। अभी ये बन कैसे रहा ये चीज आपको समझ आना चाहिए। ये चीज समझ आ गया, मैंने बस ये समझाने की कोशिश किया कि ये मेन स्केल वर्नियर स्केल पे जब कोइंसाइड करेगा तो कैसे आप रीडिंग नापना स्टार्ट करोगे वो आप देखना चाहते हो। तो कभी भी ना सिंपल सा चीज है, पहले किया क्या जाता है वो समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्लियर है ना, चलो देखो। अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, समझना इसको। जब आप इस स्केल को है ना वर्नियर कैलिपर को यूज करने से पहले क्या करते हो, आप इसका जीरो एरर चेक करने जाते हो, है ना। अभी के केस में तो हमारा है कि इसके 10 मेन स्केल डिवीजन है ना, इसके 10 मेन स्केल वर्नियर स्केल डिवीजन इसके 9 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं। एग्जाम में ऐसा हो सकता है, बोला जा सकता है इसके 20 मेन स्केल वर्नियर स्केल डिवीजन इसके 19 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर जाए ना। तो करने का तरीका वही होगा कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन 19 मेन स्केल डिवीजन से, तो वहां पे आप 1 वर्नियर स्केल निकालोगे, मेन स्केल डिवीजन वही 1 मिलीमीटर होगा और फिर फाइनल जीरो एरर आप इस तरह से निकालोगे। जीरो एरर हमेशा स्टार्टिंग में यही करना है, जीरो एरर निकालना मतलब इसको इस पे सेट कर देना है ना, इस जो मूवेबल स्केल है इसको इसके ऊपर ला देना और चेक करना है जब इसके दोनों जीरो सेट हो गए एक दूसरे पे। अभी ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है नीचे वाला जीरो वाला आगे वाला हो, आगे हो जाए, और या फिर नीचे वाला जीरो मेरा थोड़ा पीछे की तरफ हो जाए, तो उस केस में जीरो एरर कैसे निकालेंगे ना, तरीका यही होगा। जीरो एरर निकालना है तो 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल। अभी तक मैंने दो ही डायग्राम बताए हैं जिस पर ये कहानी स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब चलो अब इसका यूज करना सिखा रहा हूं, ठीक है। तो थर्ड डायग्राम पे आओगे ना, थर्ड डायग्राम पे आओगे तो अभी तक हम जब तक कुछ ना बोला गया हो तब तक हम जीरो एरर कितना लेके चलेंगे, 0.01 सेंटीमीटर लेके चलेंगे। मैं आपको तरीका बताऊंगा और उसके बाद मैं क्वेश्चन भी दूंगा ना, वही ग्रुप व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, नहीं तो आपका ना वहीं पे स्टेटस में डाल दूंगा, देख लेना कैसे ना आपको सॉल्व खुद करना है। जब तक ये खुद नहीं करोगे सॉल्व नहीं सीख पाओगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है इसे। देखो तो पहले मैंने क्या निकाल लिया, जीरो एरर निकाल लिया, कैसे निकाला ये बताया। अब थर्ड डायग्राम आओ ना, जो मैंने फोटो भेजा है उसी फर्स्ट फोटो के थर्ड डायग्राम पे ना, पहला वाला पेज का थर्ड डायग्राम पे आओगे तो वहां दिखाने का कोशिश किया गया है। जैसे इस ऑब्जेक्ट का थिकनेस मेजर करना है तो इस ऑब्जेक्ट को आपने ना यहाँ पे रखा एक कोने पे, और इस मूवेबल स्केल को जब मूव किया तो ये यहाँ आके है ना लेट्स से फिक्स हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जैसे ये आपकी है ना लेट्स से स्केल थी, ये आपका ऑब्जेक्ट था ना, ये ऑब्जेक्ट आपने यहाँ तक रखा जिसका आप थिकनेस मेजर करना चाहते थे, ठीक है। तो आपने जीरो एरर तो आपने पता कर लिया, जीरो एरर आपका
का कितना निकल गया ना, तो जीरो एरर आपने निकाल लिया 0.01 सेंटीमीटर। अब जब आपने देखा तो थर्ड डायग्राम पे देखोगे, थर्ड डायग्राम पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो मेरा मूवेबल स्केल है, ये आपकी मूवेबल स्केल है ना, जो ये फ्रीली मूव कर सकती है, स्लाइड कर सकती है। तो यहाँ पे डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है ना, वहाँ डायग्राम में देखे सब लोग कि वहां दिखा रहा है, देखना ना, तो इस तरह से दिखा रहा है आपका ना, ये रहा ये वाला डायग्राम, सब लोग देखिए कुछ इस तरह से दिखा रहा है। मेन स्केल है ना 0.04 0.03 वो वाला पार्ट देखो, ठीक है, तो उसमें आपको ये चीज क्लियर दिखाई देगा। तो यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया, ये 3 वाला मार्क हो गया है ना, मतलब यहाँ 0 है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 हुआ, तो 3 से आगे कुछ होगा, तो 3 पॉइंट ना, यहाँ क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो इस वर्नियर स्केल का जहाँ से आपका 0 मार्क स्टार्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 0 से आपके कितने डिविजन होंगे, 10 डिविजन है ना, ये 4 हुआ, ये 5वां डिवीजन, फिर 6ता 7वां 8वां 9वां और ये 10वां डिवीजन हुआ। तो नीचे कितने डिवीजन बने हुए हैं, 10 डिवीजन बने हुए हैं। और ऊपर देखोगे, ऊपर यहां पे ना ये फर्स्ट डिवीजन, ये सेकंड डिवीजन, ये आपका थर्ड डिवीजन ना, और यहां पे 0 के आगे कौन सा डिवीजन बना हुआ आपका, थोड़ा सा हल्का सा फोर्थ डिवीजन बना हुआ है। अब इसका रीडिंग कैसे लिया जाता है, ठीक है, तो रीडिंग कैसे लिया जाता है, उस रीडिंग लेने का तरीका मैं सिखा रहा हूं यहां तक, यहां तक समझ आया ना, ये तो हमें समझ आ गया कि देखो अगर अभी तक है ना, जैसे अगर कोई स्केल लेते ना, जैसे अगर ये स्केल लेते और ये पेन का थिकनेस में मेजर करने बोलता है ना, तो ये है आपका जैसे 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो लेट्स से ये पेन आप मेजर करना चाहते हो, इस पेन की थिकनेस कितनी है ना, पेन कितना लंबा है, तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, फिर यहाँ पे 1.1 1.2 1.3 और ये 1.4। मैं यहाँ समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ देखो यहाँ पे 1.3 और 1.4 के बीच में आ गया ना, आप इसे ना 1.3 बोल सकते हो एग्जैक्ट, ना 1.4 बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि 1.3 से थोड़ा आगे है, तो ये 1.37 हो जाएगा है ना, पर एग्जैक्ट नहीं बोल सकते 37 होगा नहीं होगा, तो हम राउंड ऑफ करके 1.4 के बराबर बोल देते हैं, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, पर आज मैं ये सिखाऊंगा क्या आप कैसे इसे एग्जैक्ट बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये जो चीज है ये आपका है ना, जहां से 0 स्टार्ट हुआ है उसके जस्ट पहले तक कौन सा डिवीजन बना हुआ है, 3.3 ना, तो जस्ट पहले तक आपका कौन सा डिवीजन बना हुआ है, 3.3 प्लस है ना। अब प्लस हमें क्या करना है, प्लस यहाँ पे लिखना है जो इसका 0 एरर था है ना, प्लस 0 एरर जो था इनटू कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, डिवीजन कोइंसाइड है ना, कौन सा डिवीजन इसका कोइंसाइड कर रहा है, वो उसका मुझे क्या देगा, एग्जैक्ट रीडिंग देगा ना। मतलब यहाँ पे इसका अगर मुझे रीडिंग की बात करनी हो, इसका रीडिंग कितना आएगा इस वर्नियर कैलिपर से, आप इस है ना लेट्स से ऑब्जेक्ट का जो थिकनेस मेजर कर रहे हो, तो इसका आपने ये तो बोल दिया 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो लिखा है आपने 3.3 या 3.3 तो सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो ये 3.3 मेरा सेंटीमीटर में है, और ये 0 एरर हमने निकाला था 0.01 सेंटीमीटर। अब वो डायग्राम में देखोगे, आपका डायग्राम में दिखाया हुआ कौन सा रीडिंग को इनसाइड कर रहा है ना, वो आपको थोड़ा जूम करके देखना होगा, तो जब जूम करके देखा जाएगा ना, वहां पे आपको समझ आएगा कि नीचे वाले का फोर्थ डिवीजन ऊपर वाले के फोर्थ डिवीजन है ना, ये जो नीचे वाले का फोर्थ डिवीजन है ये इस है ना यहाँ पे 1 हो गया, जो भी हो गया, ऊपर वाले के इस डिवीजन से जस्ट कोइंसाइड कर जा रहा है, वो एग्जाम में नहीं बोला गया होगा ना, यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखा दिया ना, ये आपके ऑब्जर्वेशन पे है ना, वैसे जब तक वो इंस्ट्रूमेंट नहीं लोगे तब तक वो चीज समझ नहीं आएगी, पर इसीलिए मैं डायग्राम दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी सब डिवीजन क्या है, या तो कोई डिवीजन थोड़ा आगे शिफ्टेड है या कोई डिवीजन थोड़ा पीछे शिफ्टेड है, पर ये जो फोर्थ डिवीजन जो है ये एग्जैक्टली इससे कोइंसाइड कर जा रहा है। तो यहां पे क्या निकल गया, ये हो गया मेरा 3.3 प्लस यहां पे क्या बोल दिया 0.04, ये भी सेंटीमीटर, तो ये मेरा निकल गया 3.34 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पे तो बस आप 1.3 या 1.4 बोल सकते थे, पर इस स्केल से आप क्या बता सकते हो, इस स्केल से आप इसका कौन सा है ना डिवीजन कोइंसाइड करेगा, अगर वो जस्ट दिख जाए हमें, तो उसके बाद हम सीधा क्या बोल सकते हैं, इसका एग्जैक्ट रीडिंग बता सकते हैं, एक्यूरेट अप टू 2 डेसिमल
है ना, टू डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। वहां पे हम 1.4 बस बता सकते थे इस नॉर्मल स्केल से, पर इस वर्नियर कैलिपर के स्केल से आप डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स तक एग्जैक्ट आंसर बता सकते हो, तो आप बता सकते हो टू डिजिट्स तक, है ना, दो डिजिट्स तक आंसर बता सकते हो। अब जो अगले है ना, उसके नीचे दो और क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, ये वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, तो इन दो क्वेश्चन को आपको अभी सॉल्व करना है ना। आप देखिए क्या इसका आंसर होना चाहिए, और जिसको अगर डाउट है पूछो, नहीं तो है ना, जिसको ये चीज समझ आ गया ना बताओ, क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए बताइए बाकी लोग, इसको समझ आया जो मैंने समझाने की कोशिश किया हूँ ना। चलो यहाँ देखिए सब लोग, यहाँ बताओ ये चीज समझ आ गया सबको, आइए भाई सब लोग, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा इसी के बेसिस पे। यहां तक किसी को कुछ पूछना है पूछो ना, नहीं समझ आया तो बताता हूँ। सर व्हाट्सएप पर है तो कौन से, देखिए आराम आराम से, तो आराम से तो पढ़ा रहा हूँ, इसमें और हड़बड़ी क्या है, बाकी को समझ आए, टाइम पे आना है, ठीक है, क्लियर है सबको, एक बार और बताऊ इसे, चलो एक बार और बता देता हूँ, ठीक है एक बार और बताया जाए इसे, चलो देखो सब लोग एक बार फिर से समझो, है ना, सिचुएशन क्या है। तो ऊपर वाली स्केल है आपकी कौन सी स्केल, वर्नियर स्केल, और ये स्केल कौन सी स्केल है जो स्लाइड कर सकती है ना, ये स्केल है आपकी वर्नियर स्केल और ये स्केल है आपकी मेन स्केल करके है, ठीक है। तो इस मेन स्केल से है ना हम क्या करना चाहते हैं, और ये वर्नियर स्केल को यूज करके आप इसको है ना इस ऑब्जेक्ट की थिकनेस मेजर करना चाहते हैं। जैसे अभी तक क्या होता था, अभी तक आप इसका अगर थिकनेस मेजर करना चाहते थे है ना, पेन का थिकनेस, तो आप इसको एक जीरो पे रखते थे, और जब इसका एंड पॉइंट को आप चेक करते थे, एंड पॉइंट कहाँ आता है, अगर ये 3 पे भी ना आए 4 पे भी ना आए, तो आप इसको लगभग बोल देते थे ना, 1 पॉइंट एग्जैक्ट नहीं बोल सकते थे, पर यहाँ एग्जैक्ट बोला जा सकता है, यहाँ पे या तो 1.3 बोला जा सकता था या मेरा 1.4 बोला जा सकता था। अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखता हूँ ना, इसके बीच में रखता हूँ, तो मैं यहाँ देखता हूँ कि ये जो है ना, पहला ये चेक करो कि ये जो ऊपर वाला जो स्केल है ना, ये जो फिक्स स्केल जिसे मैं कह रहा हूँ ना, ये फिक्स स्केल का कौन सा डिवीजन जस्ट जीरो से पहले आया हुआ है, 3.3 जस्ट जीरो से पहले आया हुआ है, और हमारा जीरो एरर हमने कितना निकाला था, 0.01 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, और डायग्राम में देखना पड़ेगा आपको, तो डायग्राम में देखोगे कौन सा डिवीजन जो है वो आपका वर्नियर स्केल का ऊपर वाले मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड मतलब दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, बाकी सब डिवीजन देखोगे ना, कोई आगे है तो कोई अपना क्या है पीछे है ना, तो इस तरह से ये बात हो रहा है। तो यहाँ देखा जाए तो इसका नीचे वाले का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, नीचे वाले का फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो यहाँ फॉर्मूले में बस रख देना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ रखे तो 4 × 0.01 यानी 0.04 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3.3 सेंटीमीटर, ये बन गया मेरा 3.34 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है तुम्हारा वर्नियर कैलिपर कैसे यूज हो रहा है, एक और एग्जांपल से बताता हूँ ताकि ये चीज और क्लियर हो जाए, ठीक है, दो एग्जांपल और करा देता हूँ ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। अब उसी पेज में आओगे है ना, फर्स्ट पेज का सेकेंड डायग्राम आओ सब लोग ना, फर्स्ट पेज का सेकेंड डायग्राम आओ ना, उसमें 90 करके आपको दिख रहा होगा, फॉर्मूला यही याद रखना है, ठीक है, यही आपका फॉर्मूला है। रीडिंग किसके बराबर होगी ना, जो जस्ट जीरो मार्क्स से जो पहले आएगा प्लस जीरो एरर इनटू कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करेगा, बस उसी को आपको देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोला गया है जैसे डायग्राम दिखाने का कोशिश किया है, वही ऊपर वाला जो है ना मूवेबल, ये जो फिक्स स्केल है, यहाँ पे बना हुआ है 90 वाला मार्क, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका 100 वाला मार्क है, ठीक है, यहाँ पे 90 है और यहाँ पे आपका 100 वाला मार्क है, और ये देखोगे कि नीचे वाला जो स्केल है जहाँ से शुरू हुआ है, ये स्केल आपका कौन सा स्केल है, ये स्केल है आपका वर्नियर स्केल, ठीक है। इसको एक और क्वेश्चन से समझाता हूँ,
ठीक है। और यहाँ पे ये जो स्केल है, नीचे वाला स्केल हो गया वर्नियर स्केल। अब यहाँ पे जैसे हम पुट करते हैं तो नीचे वाले का जो जीरो है, वर्नियर स्केल का जीरो, उससे जस्ट पहले कौन सा मार्क बना हुआ है ये आप चेक कीजिए। तो देखोगे 91 है ना, फिर 92, 96 तक वहां दिखेगा आपको, ठीक है। तो 91, 92, 93, 94, 95, 96, देखो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसका रीडिंग जो लिखने का तरीका है, वो रीडिंग लिखने का तरीका क्या बोल रहा हूँ, वो रीडिंग लिखने का तरीका होगा 96 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ना, ये जो 96 डिवीजन जो है वो आपका इससे जस्ट पहले है, जीरो से जस्ट पहले, मतलब ऊपर 90 सेंटीमीटर में चल रहा है सब कुछ, मतलब 90 है ना, ये क्या हो गया 96 प्लस ना, ऊपर सेंटीमीटर है, तो 96 प्लस क्या लिखना है, यहाँ लिखना है आपको जीरो एरर इनटू, यहाँ पे क्या लिखोगे, कौन सा डिवीजन नीचे वाले का ऊपर से जस्ट कोइंसाइड कर रहा है ना, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसमें और कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना भाई, ये फॉर्मूला है, आपको दो चीज देखनी है। पहला चीज ये देखना है इसके जीरो से जस्ट पहले, स्केल सबने यूज किया है ना, बस वही स्केल है, ठीक है। तो इसका जीरो से जस्ट पहले कौन सा डिवीजन है ये आप देख लीजिए, और फिर देखिए नीचे वाला कौन सा डिवीजन ऊपर वाले से जस्ट कोइंसाइड कर जा रहा है, ठीक है, वो आपको पता करना है। तो यहाँ पे देखोगे नीचे वाले में ना और ऊपर वाले में कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, उसको जूम करो देखो ना, दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जूम करके दिखाऊं तो है ना, जो लगभग कोइंसाइड करता हुआ दिखाई देता है वो मुझे कौन सा कोइंसाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग आखिरी डिवीजन ही कोइंसाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है ना, आखिरी डिवीजन जो है वो इसके ऊपर वाले से कोइंसाइड कर रहा है, मतलब कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है आपका, दसवां डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। और इसका जीरो एरर मैंने कितना बताया आपको, 0.01 सेंटीमीटर, और ये है 9.6 है ना, 96 सेंटीमीटर करके आया। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, ये चीज हो गया आपका 96 प्लस 0.1, सीधा आप बोल सकते हो 0.01 इनटू 10th डिवीजन, मतलब 96 प्लस 0.1, दैट इज ये हो गया आपका 96.1 सेंटीमीटर। बस इस तरह से आपको रीडिंग मेजर करना है, ठीक है। तो ये है आपका कैसे आप इसको मेजर कर सकते हो, ये तरीका आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, मतलब आपको बस वो डिवीजन कोइंसाइडिंग कौन सा था ये आपको चेक करना है। चलिए, यहां तक सबको समझ आ गया, उस डायग्राम को कैसे देखें, मतलब उस डायग्राम को बैक जाओ, फोटो थोड़ा जूम करो ना, फिर देखो, ठीक है। तो वो तो आपको देखना पड़ेगा, एक बार पीछे जाके फोटो ना जूम करके देखिए, सब लोग फोटो को थोड़ा जूम करो सब लोग, और फिर देखो, और जिसको ये समझ आ गया फिर अगला एक और क्वेश्चन है वो सब बनाओ। 50-60 वाला करके है, बस आपको ये देखना है कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, बनाइए सब लोग। चलो सॉल्व करता हूँ ना एक और इसी टाइप का क्वेश्चन, जिसमें आपको ये बताया जा सके कैसे है ना आप ये निकालोगे। तो ये आपको बस अभी के लिए है ना, यही आपको देखना है। अभी मैं इसमें पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, उस वाला केस भी लेके आऊंगा। अभी मैंने सिंपल चीज सिखाया है आपको, ठीक है। जैसे ना अगला जो क्वेश्चन है वो यही है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा स्केल है, ऊपर वाला मेन स्केल बना हुआ है। तो ये है 50 डिवीजन, फिर यहाँ पे 51, यहाँ पे 52 ना, और ये देखोगे ना यहाँ पे स्केल गिवन है मिलीमीटर स्केल करके दिया हुआ है, ठीक है। ये आपकी मिलीमीटर स्केल करके है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इसका जो है ना ये 53 हो गया, तो नीचे वाले का ना ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ तक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अब
अब यहाँ पे क्या बोला गया, इसका जो जीरो जो डिवीजन है उससे जस्ट पहले कौन सा मार्क आया है, 53 वाला मार्क, और मिलीमीटर में आया है, मतलब सेंटीमीटर में क्या हो गया 5.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रीडिंग जब लिखने जाऊंगा तो 5.3 सेंटीमीटर प्लस क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है जीरो एरर जो हमने निकाला था इस केस में, है ना, आपका 0.01 सेंटीमीटर है, इनटू कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करेगा, है ना, तो डिवीजन कौन सा कोइंसाइड करेगा ये हमें चेक करना है। चलिए चेक किया जाए इसे, तो यहाँ पे जब देखा जाए ना, फिर से जूम करके देखना आपको कि कौन सा डिवीजन को इनसाइड कर रहा है, नीचे वाला स्केल से ऊपर वाला स्केल का कौन सा डिवीजन को इनसाइड कर रहा है, तो देखो नीचे वाला स्केल का ऊपर वाले से सेकंड डिवीजन जो है वही को इनसाइड कर जा रहा है ना, ये जो सेकंड डिवीजन है ये सेकंड डिवीजन ही को इनसाइड कर जा रहा है, तो 2 और यहाँ पे आपका 0 एरर में क्या है 0.01 है ना सेंटीमीटर, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 5.3 सेंटीमीटर, तो ये बन क्या आया मेरा 5.3 सेंटीमीटर प्लस 0.02 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 5.32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ना किसी भी ना लेट से ऑब्जेक्ट का थिकनेस निकालना हो उसको निकाल सकते हो। ठीक है, यूजिंग वर्नियर कैलिपर, अभी तक के में तो सिंपल चीज था ना, स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, ऑब्जेक्ट को थिकनेस मेजर करने से पहले नीचे वाले वर्नियर स्केल को ऊपर वाले मेन स्केल से कोइंसाइड कराया, दोनों के जीरो एक दूसरे के लाइन में थे, कोइंसाइड कर रहे थे, उस केस में आपको बस करना क्या है ना, जो रीडिंग आएगा ना जीरो से जस्ट पहले वाला प्लस जीरो एरर इनटू डिवीजन कोइंसाइडिंग करके देखना था। अब हम बात करेंगे इसका पॉजिटिव एरर और इसके नेगेटिव एरर की। ठीक है, पॉजिटिव एरर किसे कहेंगे, नेगेटिव एरर किसे कहेंगे, चलो पहले यहाँ तक आ जाओ, यहाँ तक बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यही तो आगे बढ़े। फिर इसका पॉजिटिव एरर करेक्शन, नेगेटिव एरर करेक्शन ये सब देखा जाए। ठीक है, डन, सबका हो गया। चलो अब क्या करो, अब आओ सेकंड पेज में ना, जो मैंने फोटो भेजा था उसका सेकंड पेज में आओ, और सेकंड पेज में आके देखोगे ना ये जो जीरो एरर है उसमें पॉजिटिव जीरो एरर और मेरा नेगेटिव जीरो एरर, मैं कैसे समझा रहा हूँ, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, मैं बस अभी वर्नियर कैलिपर को यूज करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर वर्नियर कैलिपर आप यूज करना सीखिए तो आपका ना जो स्क्रू गॉज है वो आपको यूज करना आ जाएगा। ठीक है, तो सब लोग क्या करो, सब लोग है ना दूसरे पे आओ। ठीक है, मतलब सेकंड पेज पे आओ, और सेकंड पेज में सबसे पहला डायग्राम सब लोग देखोगे ना, सेकंड पेज में सबसे पहला डायग्राम आपको कुछ इस तरह से दिखाया हुआ है ना, तो ऊपर वाला स्केल कौन सा है, ऊपर वाला स्केल है मेरा मेन स्केल करके दिखाया हुआ है ना, ये हम जानते हैं, और नीचे वाला स्केल कौन सा है, नीचे वाला स्केल मूवेबल स्केल जो है वो मेरा वर्नियर स्केल करके दिखाया हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जीरो मार्क है मेरा। ठीक है, और इस जीरो मार्क में, ठीक है, यहाँ पे ऊपर जो आपने दिखाया था अभी, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये 1 होता था। ठीक है, अभी तक क्या होता था, अभी तक आपका ऊपर का जीरो और नीचे का जीरो एक आपस में कोइंसाइड करता था, पर अब सपोज नीचे वाला जो वर्नियर स्केल वाला जो जीरो है वो मेन स्केल वाले जीरो से थोड़ा सा आगे हो जाए। ठीक है, हल्का सा आगे हो जाए, तो इस केस में आपका जो जीरो एरर होगा वो जीरो एरर क्या होगा उसकी हम बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे आप बात करें तो देखिए, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊं, ये जीरो हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया ना, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ नीचे वाले का 4 जो है वो ऊपर वाले के 4 डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, फिर 5, 6, 7, 8 ना 9, वही सब कहानी फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस केस में जो जीरो एरर आएगा वो जीरो एरर मेरा क्या आएगा, जीरो एरर प्लस में आएगा
ना, अगर आगे हो जाए तो जीरो एरर प्लस में आएगा और कितना होगा, तो हमने बात किया था 0.01 सेंटीमीटर होता है, और क्योंकि नीचे वाले का फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो इस केस में जीरो एरर हो जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो जीरो एरर है क्योंकि ये आगे की तरफ है इसीलिए इस केस में आपका जीरो एरर क्या होगा, पॉजिटिव जीरो एरर कहलाता है। ठीक है, ये जो जीरो एरर बन जाएगा, ये जीरो एरर बनेगा पॉजिटिव जीरो एरर, वहां सीधा लिखा हुआ है, उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं वापस से। ठीक है, और अगर दूसरे केस में आता हूं ना, फिर से ना अगर यहाँ पे हम बात करने जाएं, सपोज ये देखिए, ठीक है चलो यहाँ पे हम बात करें, ये देखिए ये लेट्स से हमारा केस है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, फिर से अब ऊपर वाले का जीरो, फिर 1 2 3 4 ना, फिर 5 6 7 8 9, फिर ये 10 बना हुआ है ना, तो यहाँ पे हम बोलते हैं अगर लेट्स से नीचे वाले का जो वर्नियर स्केल का जीरो वो थोड़ा सा पीछे हो जाए ना, बाकी सब वही डिविजन नॉन डिविजन करते हुए, तो जब आप देखोगे इसका कौन सा डिविजन कोइंसाइड कर रहा है, तो 1 2 3 4 फिर 5, फिर देखोगे छठा डिवीजन जो है कोइंसाइड कर जा रहा है सिक्स्थ डिवीजन। ठीक है, 7 8 9 10 करते हुए वही दिखाया, तो मैंने ये बोला है कि जो इसका सिक्स्थ यहाँ पे कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था, यहाँ फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था, और यहाँ पे आपको जूम करके देखना पड़ेगा, यहाँ पे आपका कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, सिक्स्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो इस केस में अगर ये जीरो पीछे हो जाए तो इस केस में जो जीरो एरर मेरा आएगा वो कौन सा जीरो एरर होगा, नेगेटिव जीरो एरर करके होगा। आपको ध्यान रखना है इस केस में जो जीरो एरर होगा वो नेगेटिव होगा, और उस नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू मेरी कितनी होगी, तो उसको मैं कैसे लिखता हूँ, उस नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू होगी, आपको सीधा करना क्या है, यहाँ पे कितना आता, सिक्स्थ डिवीजन मतलब आपका होता इज इक्वल टू 0.06 सेंटीमीटर, जैसे आप लिखते हैं। ठीक है, पर इस 0.06 सेंटीमीटर को आपको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, 1 से, तो यहाँ से आप 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 से 0.06 है ना, 0.01 से आप, क्योंकि एक जो डिवीजन है मेन स्केल में वो कितना है 0.0 है ना, 0.1 सेंटीमीटर, और 0.1 सेंटीमीटर में से 0.4 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आएगा 0.06 सेंटीमीटर, क्योंकि नेगेटिव जीरो एरर है तो आगे लगाना है माइनस साइन। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे 0.06 सेंटीमीटर आया था, तो है ना, क्योंकि सिक्स डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, मतलब ये 0.06 आना चाहिए जैसे यहाँ पे, अब इससे किससे सब्ट्रैक्ट करो, 0.1 से सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि 0.1 सेंटीमीटर जो होता था वो मेरा क्या होता था, जीरो एरर होता था जब ये दोनों कोइंसाइड कर जाते थे। ठीक है, अगर कोइंसाइड नहीं किया मतलब 0.01 माइनस कौन सा डिवीजन कोइंसाइड किया था, 0.061 के करेस्पॉन्डिंग आया था, तो 0.01 माइनस 0.06 कितना आएगा, 0.04, और क्योंकि नेगेटिव जीरो एरर है तो आप आगे साइन क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे माइनस करते हुए। ठीक है, तो इस केस में आपका जीरो एरर नेगेटिव हो जाएगा और इस केस में आपका जीरो एरर पॉजिटिव हो जाएगा। चलो यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समझ आएगा भाई ना, थोड़ा टाइम लगेगा ना, कुछ है तो पूछ लो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछे किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो, नहीं तो हम आगे बढ़े। अब इस पॉजिटिव जीरो एरर नेगेटिव जीरो एरर जब ये आपको देखना सिखा दिया ना, उसके बाद इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, और फिर इसे सॉल्व किया जाए। जल्दी आओ भाई, फिर बताता हूँ। फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको बना के आना है ना, और इसको सॉल्व करना है। पॉजिटिव जीरो एरर नेगेटिव जीरो एरर जैसे आपको देखना आ गया, उसके बाद बस हमें इसको सॉल्व करके देखना है। फिर से यहाँ देखो, फिर से बताता हूँ।
तो जीरो एरर है ना, कि अगर बात की जाए, अगर इसका जीरो नीचे वाले का जीरो ऊपर वाले के जीरो से थोड़ा आगे हो जाए, तो उस केस में जीरो एरर क्या बोल रहा हूं, तो हमने देखा था इस है ना जीरो एरर अगर दोनों के जीरो कोइंसाइड कर जाते हैं, उस केस में आपका जीरो एरर कितना आया था, 0.1 सेंटीमीटर आया था हमारा ना, देखोगे ना 0.1 सेंटीमीटर करके आया था, ठीक है। अब यहाँ पे 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर करके आया था मेरा, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर ना अगर सपोज यहाँ पे आपका नीचे वाले वर्नियर स्केल का जीरो ऊपर वाले मेन स्केल से जीरो से थोड़ा आगे अगर शिफ्ट हो जाता है, तो आप क्या बोल दोगे, आप यहाँ पे जीरो एरर पॉजिटिव जीरो एरर बोलोगे। पहली चीज पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये जीरो नीचे वाला जीरो ऊपर वाले जीरो से थोड़ा आगे शिफ्टेड है, और पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू कितनी होगी, तो उसके लिए 0.01 सेंटीमीटर इनटू कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो देखोगे फोर्थ डिवीजन नीचे वाला ऊपर वाले से डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, तो 4 × 0.01 सेंटीमीटर हो गया आपका पॉजिटिव जीरो एरर। तो प्लस पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखना है, बस स्टार्टिंग में देखोगे जब दोनों ना बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा, तो जब कोइंसाइड करो तो यहां देखोगे दोनों जीरो एक दूसरे से है ना मैच ही नहीं कर रहे, तो उस केस में आपका जीरो एरर पॉजिटिव आएगा। और यहां पे अगर मैं बताने की कोशिश करूं, अगर इस नीचे वाला जीरो ऊपर वाले जीरो से पीछे हो जाए, तो उस केस में जीरो एरर नेगेटिव होगा, और कितना होगा, तो जीरो एरर 0.01 सेंटीमीटर इनटू कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, देखोगे 6th डिवीजन, तो 0.06 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे इसका जीरो एरर निकालने की बात हो रही है, तो दो डिवीजन के बीच का गैप कितना होता है, हम जानते हैं 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, और ये 0.06 सेंटीमीटर जीरो एरर आया, सबट्रैक्ट करो कितना है 0.04 सेंटीमीटर, और क्योंकि जीरो एरर नेगेटिव है तो यहाँ पे आपका सही क्या निकल के आ गया, माइनस में। चलो यहाँ तक सबको समझ आ गया ना, डन आगे बढ़ो। अब यहाँ पे इसको समझाने के लिए एक क्वेश्चन ना पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर के करस्पॉन्डिंग एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ ना, तो ये चीज आपको पूरी क्लियर हो जाएगी कैसे इस वर्नियर कैलिपर को यूज किया गया है ना, और खुद बनाना स्टार्ट करोगे फिर। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जब स्टार्टिंग में हमने क्या किया, दोनों के जीरो को ना स्टार्ट रखा ना कोइंसाइड करने की बात हुई, चलो तो दोनों जीरो जब कोइंसाइड करने की बात हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा गया कि इसका जो जीरो मार्क है ना, ये जीरो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते हुए ये 1 आया, ठीक है। मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, उसको करके कल हम इसी पे है ना एक बार और क्लास लेंगे स्क्रू गॉज के लिए, और कल इसको फिर से ना कंटिन्यू करेंगे। और इसका जब देखा गया तो इसका जीरो थोड़ा आगे है, जीरो मतलब पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका हो गया वर्नियर स्केल, तो ये जीरो थोड़ा सा आगे शिफ्टेड है, और यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे इसका 6th डिवीजन कोइंसाइड कर जा रहा है, ठीक है, 5th डिवीजन ये रहा है ना, तो इस तरह से यहाँ पे इसका 6th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर जा रहा है। ये आपको बता दिया है मैंने ना कि इसमें 6th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो पहला काम क्या कर लो, जीरो एरर निकाल लो। जीरो एरर हमने बात किया, यहाँ पे जीरो एरर क्या निकल के आया, जीरो एरर निकल के आया 6th डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है इनटू 0.01 सेंटीमीटर, जीरो एरर आपने जो निकाला था ना, जो लीस्ट काउंट बोलते हैं, ठीक है, ये निकल के आपका 0.06 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बात किया है, अब जैसे आप ऑब्जेक्ट रख देते हो इन दोनों के बीच में, अगर कोई ऑब्जेक्ट रख देते हो तो ऑब्जेक्ट रखने के कारण क्या सिचुएशन होगा, ऑब्जेक्ट रखा जाए तो ऑब्जेक्ट रखने के कारण इसका जो जीरो जहां से शुरू होता है उससे जस्ट पहले कौन सा रीडिंग बना हुआ है, ये है आपका लेट्स से 10 मिलीमीटर में है ना, मिलीमीटर मतलब ये क्या हो गया 1 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ सब कुछ रीडिंग हमें सेंटीमीटर में चाहिए, तो आप जब इसका रीडिंग लिखने जाओगे, रीडिंग कैसे लिखोगे, तो इसका रीडिंग लिखना है, मैंने क्या सिखाया था, ये 1 है ना सेंटीमीटर हुआ, तो ये होता आपका लेट्स से 10 मिलीमीटर 11 मिलीमीटर 12 मिलीमीटर 13 मिलीमीटर, तो 13 मिलीमीटर मतलब ये होता 1.3 सेंटीमीटर
ये तो आपका 1.3 सेंटीमीटर आता, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जैसे आप रीडिंग निकाल रहे हो उस रीडिंग को निकालो, उसमें आपको कुछ नहीं सोचना, उस रीडिंग को एज इट इज निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालते थे, अब यहाँ पे ये बता दिया गया है क्वेश्चन में, अब जब तक वो डायग्राम ना दिखा पाऊं तब तक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसे मैंने चेक किया ना, यहाँ पे जब इसको निकाल के मैंने देखा, तो ये निकाल के मैंने क्या देखा, तो इसका मैं बोल रहा हूँ सपोज कीजिए नीचे वाले का 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 डिवीजन ऊपर वाले से कोइंसाइड कर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सीखा था हमने, यहाँ पे देखो उस जो जीरो लिखते थे वो एक्चुअली होता था लीस्ट काउंट करके, ठीक है, वो क्या होता था तुम्हारा एक्चुअली लीस्ट काउंट इनटू कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग करके कहा जाता था ना, मेन यहाँ पे वर्नियर स्केल रीडिंग जो कोइंसाइड कर रही है उसको हम देखते थे। तो यहाँ पे आप ये सब कुछ सेंटीमीटर में बात कर रहे हो, तो 1.3 सेंटीमीटर है। अब उसमें लीस्ट काउंट की बात करें, तो लीस्ट काउंट क्या होता था, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, लीस्ट काउंट का मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन कितना होता था, 1 मिलीमीटर ना, दो डिवीजन के बीच का 1 मिलीमीटर, और 1 वर्नियर स्केल हमने देखा था 10, है ना, आपके वर्नियर स्केल डिवीजन एक मेन स्केल से कोइंसाइड करते हैं, तो ये हो गया 9/10 मेन स्केल डिवीजन मतलब मिलीमीटर। तो ये आया आपका 0.1 मिलीमीटर, जिसको आप लिख सकते हो 0.01 सेंटीमीटर करके, जो हम जीरो लिखते थे वो एक्चुअली लीस्ट काउंट करके होता था, ठीक है। तो वो हमने गलती से लिखा था, जीरो एरर मतलब इस तरीके से लिखा जाता है, या तो आगे या पीछे हो, और लीस्ट काउंट के केस में हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, बस ये तरीका हमें यूज करना है, जिसमें हम लोग पहले क्या काम करेंगे, जैसे हमने देखा था 9 मेन स्केल के डिवीजन आपके 10 वर्नियर स्केल से कोइंसाइड कर रहे थे, तो एक वर्नियर स्केल का डिवीजन आपके कितने मेन स्केल से कोइंसाइड करता, 9/10 मेन स्केल से कोइंसाइड करता, और एक मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर का है, तो यहां से आप बोल सकते हो एक वर्नियर स्केल का डिवीजन कितना हो गया, 9/10 मिलीमीटर का हो गया, ठीक है। अब ये मिलीमीटर में आया, तो यहां से लीस्ट काउंट हो गया 0.01 सेंटीमीटर। बाकी तरीका जो मैंने सिखाया था वो सब कुछ सेम है, बस इसका नाम लीस्ट काउंट बना हुआ है। अब ये वर्नियर स्केल रीडिंग जो इससे कोइंसाइड कर रही है, तो यहां क्या बोला गया, कौन सी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है, 4th रीडिंग कोइंसाइड कर रही है, तो ये निकल के आया 1.3 प्लस 0.04 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1.34 सेंटीमीटर। अपने रीडिंग निकाला, अब यहाँ पे कितना जीरो एरर बना हुआ है, पॉजिटिव जीरो एरर बना हुआ है, क्योंकि रीडिंग आगे की तरफ शिफ्टेड है, तो फाइनल जो आंसर लिखा जाएगा ना, क्योंकि यहाँ जीरो एरर ऐड हो रखा है, प्लस में है, तो उसे क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये रीडिंग हो गई 1.34 सेंटीमीटर माइनस 0.06 सेंटीमीटर, ये मेरा निकल के आया 1.28 सेंटीमीटर करके, ठीक है। ये है हमारा जीरो एरर निकालने का तरीका। यहाँ तक बता दो, यहाँ तक समझ आया ना, ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, बोला क्या होगा 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल से कोइंसाइड कर रहे हैं, वहां से आप 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकालिए, और जैसे 1 वर्नियर स्केल निकालिए तो ये लीस्ट काउंट निकाले, और लीस्ट काउंट के बाद आप ये जो रीडिंग निकाले उससे आपको इस जीरो एरर को क्या कर देना है, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। ये था हमारा डिस्कशन, चलिए आइए यहां तक। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत, हाँ इसको लास्ट में पढ़ाया जाता है ना, पर तुम लोग एक बार वापस पढ़ लोगे, चलो यहाँ तक आओ सब लोग, पूछो कोई दिक्कत है तो। 10th का बैच आपका स्टार्ट होगा ना परसों से ना, 3 से 4 क्लास 10th वालों का बैच, यहाँ तक पूछे कोई डाउट है तो, ठीक है। ये लीस्ट काउंट आपको सीखना है, ठीक है। अभी देखो, अभी जीरो एरर क्या केस था, पॉजिटिव वाला था, अभी एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें जीरो एरर नेगेटिव होगा, फिर आपको क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, फिर आप खुद सॉल्व करेंगे और फिर बताएंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ तक आ जाओ सब लोग, और फिर पूछो कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक में किसी को किसी पार्ट में डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। बस याद रखना लास्ट में जो रीडिंग आएगा ना, ये जो रीडिंग आएगा उसको इस जीरो एरर से सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस
उतना ही काम है भाई, है ना, उससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। और कल मैं इसी लीस्ट काउंट है ना जीरो एंड पे कुछ और क्वेश्चंस स्टार्ट करूँगा, ठीक है, समझ आ गया सबको। चलो तो आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, फिर हम खत्म करेंगे और कल सेम टाइम 9:30 से 10:30 में ना कुछ और क्वेश्चंस कराने वाला हूँ लिस्ट काउंट जीरो एरर पे ना। स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब सा चैप्टर है, पर जैसे जैसे थोड़ा देखते रहोगे तो ये चीज क्लियर होती रहेगी, ठीक है। यहाँ देखो दो चीज देखनी है, एक तो जीरो एरर निकालना है और एक रीडिंग निकालनी है। ये सिंपल सा फॉर्मूला को यूज करके तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है, ओके। चलिए अब जैसे एक और क्वेश्चन बताया जाए ना, तो सपोज कीजिए पहला है ना इनिशियल आपको स्टार्टिंग में कुछ ऐसे ही दिया होगा कि आपकी कौन सी स्केल है, मेन स्केल हो गई, नीचे कौन सी स्केल है, वर्नियर स्केल हो गई। और यहाँ देखोगे ये नीचे वाला जो जीरो है और ऊपर वाला जीरो, एक केस हो सकता था जिसमें दोनों जीरो कोइंसाइड कर रहे हैं, उसमें फाइनल रीडिंग आती है, बस वही तरीका ना, कौन सा रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल जो कोइंसाइड करेगा। पर एक केस हो सकता था पॉजिटिव जीरो एरर, एक केस हो सकता था नेगेटिव जीरो एरर। तो यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे आपका 5th, 6th, 7th जो स्केल है सपोज कोइंसाइड कर जा रहा है, ठीक है, ये 7th स्केल ऊपर वाले से जस्ट कोइंसाइड कर जा रहा है, तो पहला काम क्या निकालो, जीरो एरर, ठीक है। अब ये जीरो एरर क्या है, क्योंकि यहां पे इसका जो जीरो है नीचे वाले का वर्नियर स्केल का जीरो ऊपर वाले के जीरो से पीछे है, तो यहां पे जीरो एरर माइनस में आएगा, पहला चीज। और यहां पे क्योंकि 7th डिवीजन कोइंसाइड किया है, मतलब 0.07 है ना सेंटीमीटर होगा, अब उसको किससे सबट्रैक्ट करना है, 0.1 से सबट्रैक्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। 0.1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर दो के बीच का गैप होता है ना, तो 1 मिलीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर माइनस 0.07 सेंटीमीटर, तो ये जो जीरो एरर आया ये आया मेरा -0.03 सेंटीमीटर करके ना, ये तो आपका जीरो एरर निकल के आ गया। अब यहां बोला है किसी ऑब्जेक्ट को मेजर जब मैंने करने गया, ठीक है, तो मैं यहां क्या देखा, मैं यहां पे देखा कि ये जो है ना जो रीडिंग कोइंसाइड करने गई मेरी, वो रीडिंग कौन सी कोइंसाइड करने गई, सपोज यहां पे आपका आता 50 ना मिलीमीटर, फिर 51 52, और इसका जीरो यहां से शुरू होता, फिर 1 2 3 ना, फिर 4 5 6 7 8, और यहां देखिए आप कि इसका 4th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ना, वो क्वेश्चन में थ्योरेटिकल लैंग्वेज करते दिया होगा। तो पहला काम लीस्ट काउंट निकालोगे, लीस्ट काउंट का तरीका अब आपको यूज्ड टू हो जाना चाहिए, ये क्या है, 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर मतलब 0.01 सेंटीमीटर ना, और माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो सपोज कीजिए क्वेश्चन में दिया होता कि इसके 20 डिवीजंस ना, सपोज क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेस्टिंग कर दिया जाए, तो इसके सपोज कितने डिवीजंस, 20 डिवीजंस जो हैं ना ऊपर के कितने डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं, सपोज 18 डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं, 18 19 20, ठीक है, तो ये हो गया आपका है ना लेट्स से 2 सेंटीमीटर। तो यहां बोल रहा हूं नीचे के है ना 20 वर्नियर स्केल के डिवीजन 18 मेन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं ना, तो यहां पे हम बात करें तो 18 क्या बोल रहा हूं मेन स्केल के डिवीजन मेरे 20 वर्नियर स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं, तो यहां से आप बोल सकते हो एक वर्नियर स्केल का डिवीजन आपका किसके बराबर हो जाएगा, 18/20 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा ना इंटरेस्टिंग किया जाए ताकि ये चीज ना आप समझ पाओ कि हमेशा जरूरी नहीं कि ये जो लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर ही बन के आए, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसे देखते हैं ना, तो ये है आपका 1 मिलीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर ना माइनस 1 वर्नियर स्केल बोलूं तो 1 वर्नियर स्केल कितना है 18/20 और एक मेन स्केल में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर मतलब आपका 0.1 सेंटीमीटर कह सकते हो ना, तो ये है 0.1 सेंटीमीटर, तो आप इसे लिख सकते हो दैट इज 1/10 मीटर क्या है ना, तो इतना सेंटीमीटर कर दिया जाए तो ये 1/10 ना माइनस यहाँ पे क्या लिख दिया जाए 18 ना दैट इज 9 बाय क्या लिख देता हूँ 100, तो ये 10 माइनस 9 कितना आया
9/100 सेंटीमीटर दैट इज 0.09 ना क्या बोल सकते हो सेंटीमीटर। अभी तक 0/100 कितना आता था आपका जो लीस्ट काउंट आता था वो आता था 0. ना लेट्स से 1 सेंटीमीटर करके अब आपका 0.09 सेंटीमीटर आ गया। अब इस केस में ना अभी तक हमारा आता था 0.01 सेंटीमीटर अब ये निकल के आ गया सपोज इस केस में तो यहां पे रीडिंग कैसे लिखना है तो यहां पे आपको रीडिंग लिखना है इज इक्वल टू सबसे पहले देख रहे हैं कौन सा यहां पे स्टार्ट हुआ ये मिलीमीटर स्केल है मेरा तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं ये हो गया 52 मिलीमीटर मतलब सेंटीमीटर में होगा 5.2 ना प्लस यहां पे आप क्या लिखते थे यहां पे अभी तक लिखते थे लीस्ट काउंट जो होता था वो हमारा आता था 0.01 सेंटीमीटर पर है ना लीस्ट काउंट आपका 0.01 ना होके 0.09 सेंटीमीटर हो गया ठीक है तो यहां पे आप बोल सकते हो इनटू कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड करेगा है ना ये चीज हमें देखना है तो यहां पे आप बोल सकते हो ये तो हुआ 5.2 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट हमने निकाला हुआ है आपका 0.09 सेंटीमीटर और कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो यहां पे हमने बोला है फोर्थ डिवीजन इसका कोइंसाइड कर रहा है तो सीधा फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कराते हुए ये आया 5.2 इनटू यहां पे है 0.36 करके ना 9 × 4 = 36 तो ये आ गया 5.56 सेंटीमीटर ये आया मेरा क्या रीडिंग पर फाइनल आंसर क्या करना है क्योंकि यहां पे नेगेटिव जीरो एरर है स्टार्टिंग में दोनों जीरो पॉइंट से नहीं किए थे तो फाइनल आंसर लिखना है 5.56 सेंटीमीटर माइनस जो जीरो एरर कितना है माइनस 0.03 सेंटीमीटर दैट इज 5.56 सेंटीमीटर प्लस 0.03 सेंटीमीटर व्हिच इज इक्वल टू 5.59 सेंटीमीटर मतलब जो दूसरा एक पॉसिबिलिटी और हो सकता था क्वेश्चन पूछने का वो इस लीस्ट काउंट को ही चेंज कर देता ना ये लीस्ट काउंट की वैल्यू ही चेंज कर देता तो उसको निकालने के लिए ये क्वेश्चन में है ना थ्योरेटिकली दिया होगा आपको कि लेट्स से 18 मेन स्केल इज इक्वल टू 21 ईयर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं तो उस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है और फिर उसे आपको सॉल्व करना होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा ना कुछ 5-10 क्वेश्चन और कल सेम टाइम पे 9:30 से 10:30 हम उसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे अगर किसी को कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना ठीक है नीचे नहीं दिख रहा हाँ बस हो गया छोड़ रहा हूँ अपनी क्लास क्या नहीं दिख रहा है एक मिनट रुको देख लेता हूँ दो मिनट रुको भाई क्या नहीं दिख रहा तुम्हें ओके वो वाला पार्ट नहीं दिख रहा ना ठीक है बता देता हूँ तो जिसे नहीं दिख रहा यहाँ वाला पार्ट थोड़ा कैलकुलेशन कर लो ये तो उसके बाद क्या है 1/10 - 9/100 ये सब कुछ सेंटीमीटर में है तो ये कितना आएगा तुम्हारा देखो 10 - 9 कितना हुआ 9/100 सेंटीमीटर इसको आप क्या लिख दो 0.09 सेंटीमीटर ठीक है ये आपका लिस्ट काउंट निकल के आया चलिए यहाँ तक सबको समझ आ गया डन आज का क्लास यहीं करते हैं खत्म ना यहाँ तक किसी को कोई पार्ट में डाउट है पूछ लो नहीं तो इसका जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो चीज़ समझ नहीं आएगी ठीक है चलो ओके आज के लिए इतना ही चलो आज के लिए इतना ही ना कल हम डिस्कस करते हैं बाय